गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 5 और 6। सो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ऑफन इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट क्लाउजेज इन सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है और यह डिपेंडेंट क्लाउजेस को प्लेस करता है सेंटेंसेस के अंदर। तो इसमें एग्जांपल के रूप में दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल, एज यू कैन सी, ही इज़ द मैन हु कॉल्ड द पुलिस। ये वही व्यक्ति है, ये वही पर्सन है, ये वही आदमी है जिसने पुलिस को बुलाया। सेकेंड में है, सी इज द गर्ल हुम द प्रिंसिपल अप्रिसिएटेड। यह वही लड़की है जिसको प्रिंसिपल ने प्रशंसा किया, यानी अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना होता है। थर्ड, दिस इज द पेन दैट विलियम बाउट। ये वही कलम है जिसे विलियम ने खरीदा था। नेक्स्ट है, ही इज द बॉय हुज मोबाइल हैज बीन स्टोलन। ये वही लड़का है जिसका मोबाइल की चोरी हो गई है। द कार विच यू वॉन्ट टू बाई इज माइन। जो कार आपने, मतलब आप खरीदना चाहते हैं, वो कार मेरी है, यानी मेरा है। तो यहाँ पर एनालिसिस के रूप में स्टूडेंट देखेंगे तो इन दिस सेंटेंसेस, इन सारे सेंटेंसेस में जो वर्ड्स आए हैं, एग्जांपल के लिए हु, हुम, दैट, विच एंड हुज आर यूज टू रेफर टू द नाउन्स। ये सब नाउन को कहीं ना कहीं रेफर करता है और इसीलिए ये सब सारे रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ हु, हु मीन्स क्या होता है, कौन, एंड हुम, हुम मीन्स होता है किनको, ये जो हैं यूज़ किए जाते हैं पर्संस के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। तो उदाहरण के रूप में आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट एग्जांपल, आई एम द मैन हु नॉक्ड एट द डोर, यानी मैं ही वो आदमी हूँ जिसने दरवाजे को नॉक किया है, यानी खटखटाया है। सेकेंड में है, ही हु लव्स अदर्स, वह जो दूसरे को प्रेम करता है, इज लव्ड बाय गॉड, वह यानी उसे ईश्वर प्रेम करते हैं, यानी ईश्वर के द्वारा प्रेम किया जाता है। नेक्स्ट है, कोमल इज द बॉय हुम वी गेव द पेन। कोमल ही वह लड़का है जिसको हम लोगों ने क्या दिया, कलम दिया। सी इज द वूमेन हुम द कमिटी मेट चेयर पर्सन। यह वही स्त्री है, औरत है, जिसे कमिटी ने, समिति ने क्या बनाया, चेयर पर्सन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हु एंड हुम या पर्सन के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच, विच एंड दैट दोनों का जो यूज होता है एनिमल्स के लिए या फिर कोई थिंग्स हैं, चीज़ें हैं उनके लिए। तो
एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे द टाइम विच इज लॉस्ट, जो समय बीत गया, इज लेफ्ट, इज लॉस्ट फॉर एवर, वो सदा के लिए क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, फिर वापस नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है द डॉग विच आई बाउट रिसेंटली इज इन द गार्डन, यानी जिस कुत्ते को मैंने खरीदा वह अभी हाल फिलहाल कहाँ है, तो गार्डन में है। द पेन दैट यू गेव मी, कलम जो आपने मुझे दिया, इज इन माई पॉकेट, वह कहाँ है, मेरे पॉकेट में है। एंड लास्ट यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल, दिस इज द प्लांट, ये वही पौधा है दैट राधा प्लांटेड, जिसको राधा ने यहाँ पर लगाया है, प्लांट किया है। अब देखेंगे कि पर्सन यानी पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ थ्री काइंड्स, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो तीन प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं। प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन एंड थर्ड प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, कुछ एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं, जैसे आई विल गो होम टुमारो, कल मैं घर जाऊँगा। सेकेंड एग्जांपल है वी कैन डू इट आवर सेल्फ, हम लोग इसे खुद करेंगे। थर्ड एग्जांपल है राधा केम टू मीट मी, राधा मुझसे मिलने आई, एट माय होम, कहाँ पर, घर पर। एंड फोर जो एग्जांपल है ऑल दिस हॉर्सेज बिलोंग टू अस, यानी यहाँ पर जो भी यहाँ घोड़े हैं वो किससे ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोगों से। एंड लास्ट एग्जाम्पल है आवर स्कूल इज 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर, हमारा स्कूल जो है यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अगर एनालिसिस करते हैं तो इन दिस सेंटेंसेज द प्रोनाउंस यहाँ पर दिया गया है आई वी आवर सेल्फ्स मी माई आवर एंड अस, ये रेफर किया गया है किसको, तो पर्सन्स को, जो पर्सन बोल रहा है उसे। तो अनडाउटेबली दीज आर पर्सन्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर जो पर्सन आए हैं वो पहले पर्सन के रूप में हैं, फर्स्ट पर्सन के रूप में है। तो प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो स्टूडेंट्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में। दैट्स ऑल।